हेलो गाइस, नमस्ते। आज मेरा भाई रेंटर लोग हमें चाय पिलाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाता है। लेमन टी बनाने वाले हैं, इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं आपका गोल टी, नहीं बताएंगे, और अदरक। इससे ये हम लोग का पहला शुरुआती है, देखते हैं आप लोग को पिला के आपका अनुभव क्या रहता है, वो चीज बताइए ताकि हम लोग को आगे कुछ करने का मोटिवेशन मिले। दोस्तों अभी हम चीनी मिला रहे हैं शुगर, जो अपने जरूरत के आधार पर मिला है। इसमें किन्हीं को अधिक शुगर पसंद रहता है और किन्हीं को कम, तो उसी के आधार पे अपना शुगर को डालें और चाय टेस्टी बनाए अपने हिसाब से। मैंने अपना चीनी डाल दिया है, जहां तक मुझे लगता है इतना में ही बहुत टेस्टी बनेगा ये चाय। तो अभी हम इसमें अपने आधार से चाय पत्ती मिलाने वाले हैं। जितना क्वांटिटी का आप चाय बना रहे हैं उसी क्वांटिटी से आप अपना आधार पे चाय पत्ती मिलाइएगा। और चाय पत्ती ताजा ब्रांड ताजा का है, तो वही चाय पत्ती यूज कीजिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट ही कुछ अलग ही रहता है। और इसका टेस्ट ही आप चाक के भी देख सकते हैं, बना के बहुत अच्छा लगता है। मुझे आशा है कि जो इतना मेहनत से जो बना रहे हैं चाय, इतना सब कुछ डाल रहे हैं, स्वाद अनुसार जो दिख रहा है सब कुछ सही लग रहा है। हमको आशा है कि टेस्ट अच्छा तो लगेगा, जबरदस्त नहीं लगेगा तो फिर मार खाएगा। देखिए हम अभी कप को सजा रहे हैं, जो कस्टमर आता है उसको किस तरीके से देना है वो सबसे बड़ी बात होता है। तो कप को बढ़िया से सरियाना है, उसके बाद कस्टमर को परोसना है। ये रहा कांदा, तो कांदा ही तो दिखता है। ये रहा स्वीट पोटैटो, इसे भी खाना चाहिए, इसमें थोड़ा सा प्रोटीन है, तो जिम जाने वाले जरूर खाए। दोस्तों देखिए अभी हम लोग लेमन टी मतलब नींबू निचोड़ रहे हैं, उसके बाद इसमें जो काला नमक डालेंगे, उसके बाद जो चाय के लिए मसाला जो होता है उसको डालेंगे, ताकि स्वादिष्ट और अच्छा चाय बने, पीने वाला को लगे कि हाँ ये चाय है, ना कि लाल चाय है। जो पिए वो पछता, जो ना पिए वो भी पछता है। अभी इसमें काला नमक डाल रहे हैं, जरूरत के आधार पर काला नमक डालेंगे, उसके बाद आप कुछ मसाला डालेंगे जो हम लोग का सेक्रेट मसाला होता है, उसके बाद सभी गेस्ट को चाय देंगे। फिर देखिए अभी हम चाय को कप में डाल रहे हैं, डालने का चक्कर बहुत बड़ा होता है, किस तरीके से डालना चाहिए, कैसे परोसना चाहिए, ये भी सबसे बड़ी मायने रखता है बिजनेसमैन को। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे चाय पे कप पे चाय डाल रहा हूँ, आप देखिए और सीखिए और अपना घर में भी ऐसे लाल चाय बना के पीजिए और तंदुरुस्ती रहिए। ये सांगा नाम का एक लड़का है जो अपना पहला स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके द्वारा बनाया गया चाय का आनंद लेते हैं। वो किस तरह से बनाए हैं, तो सबसे पहले हमारे जो मोटिवेशनल मोटिवेट करने वाले उसके बाद बताएंगे कि ये चाय। भाभी जी भी ठीक है, बताइए। और हम लोग अपना पहला स्टार्टअप का शुरुआत करते हैं, और आप लोग अगर कुछ कम है तो बताइएगा। बार कर सके यहाँ पे, और इधर छोटे भैया, छोटे भैया कहाँ गया, छोटे भैया बताइए। अगर कुछ मतलब कमी है तो कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट में बता दीजिएगा। कैसा कैसा रहा चाय? अच्छा है, इस कुछ तंदुरुस्त। ये है हमारे सांगा भैया, स्टार्टअप मैन। हाँ मैं हूँ दोस्तों, जो फाइनेंसर है। अभी मैं टेस्ट करके बताऊंगा, और जैसा मैंने वादा किया था कि अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा तो बनाने वाले को मार मिलेगा। तो अभी ये मेरा पहला, बताइए बताइए। ओह माय गॉड, तगड़ा जबरदस्त। बोलो कैसे लगा चाय पी के? चाय पियो बाबू, कस्टमर आए चाय
कैसे लगा एकदम अच्छा। देखिए मुझे भी चाय मिल गया है, मैं भी बताता हूँ कि कैसे लगने वाला है। नहीं तो जैसे कि मैंने वादा किया था कि उसे मार पड़ने वाली है अगर अच्छा नहीं लगा तो बताते हैं आपको। मिठास तो बहुत अच्छा है, मसाला भी, और मसाला चाय नींबू के साथ बहुत अच्छा है। तो बच गया वो मेरे से मार खाने से, क्या छोटे। जहाँ तक मेरा ख्याल है मेरे को भी तो हम लोग अच्छा चेयर्स कर रहे हैं, इसलिए दिखा दीजिए चेयर्स करते। ये चेयर्स अच्छा नहीं बना, सुधारना पड़ेगा।